तूने गुरुदेव के लिए आज तक इतना कुछ किया है, लेकिन वो तुझे हमेशा से अपनी नाजायज औलाद मानते रहे हैं। उन्होंने कभी तेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे उन्होंने तो तुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। जरा सोच, वो तुझे हर साल अपनी तरफ से कुश्ती लड़ाते हैं। इस कुश्ती में ना तेरे हाथ पैर भी जुड़ सकते हैं, तू हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन तुझे क्या लगता है इससे उन्हें फर्क पड़ेगा? इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी जान भी चली जाए ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तू उनकी नाजायज औलाद है। जरा सोच, उन्होंने कभी विप्लव बाबा को कुश्ती के लिए भेजा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो उनकी जायज औलाद है और उससे वो बहुत प्यार करते हैं, तुझसे नहीं।